दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए, तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है, वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं, आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स, सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। नमस्ते, मेरा नाम शुभम कुमार यादव है। मेरा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 में 263वां रैंक आया है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने शिवपुरी के सेंट चार्ल्स स्कूल से अपनी 10th और 12th साइंस स्ट्रीम से करी है, पीसीएम से। उसके बाद मैंने हंसराज कॉलेज से अपनी बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की है, जिसमें मैं कॉलेज में भी अच्छी रैंक लाता था। उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करने आया और ये सफ़र मेरा शुरू हुआ 17 जुलाई 2020 को। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स 11 नंबर से रुक गया था और उसका मेजर कारण था कि मैं हिस्ट्री वाला सेगमेंट ढंग से पढ़ नहीं पाया था। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट चालू हुआ और उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि प्रीलिम्स में समझ नहीं आ रहा था कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किन चीज़ों में अटेम्प्ट लेना चाहिए, किन को छोड़ना चाहिए। तो उन चीज़ों से निकलते निकलते काफ़ी मुझे टाइम लगा, पर फिर अल्टीमेटली मैंने एक्सेल शीट और गूगल शीट्स की यूज़ करी, जिनकी वजह से मैंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करना चालू किया। इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट रखा था कि मैंने 50 टेस्ट के हिसाब से बनाया था ये, जिसमें 50 टेस्ट जिनमें 100 क्वेश्चन, तो 5000 क्वेश्चन का डेटा सेट था। मैं कुछ चीज़ें इसमें रिकॉर्ड करता था, जैसे सबसे पहले कि जो क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ वो किस सब्जेक्ट का है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, एंशियन मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट था मैं उसको लिखता था। उसके आगे अगला कॉलम होता था जिसमें मैं अपना अटेम्प्ट लिखता था कि वो मेरा क्वेश्चन सही हुआ है, गलत हुआ है या मैंने छोड़ दिया है। फिर मैं लिखता था कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल मेरे हिसाब से कितना है, जैसे कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ मीडियम डिफ़िकल्टी के होते हैं। ये डिफ़िकल्टी एप्लीकेशन के बेसिस पे हो सकती है या ऑप्शन के लेवल पे हो सकती है। जैसे इस साल जो क्वेश्चन आए जिसमें पेयरिंग वाले स्टेटमेंट्स थे, तो क्या उनमें सिंपल फैक्ट्स डाल के भी उसके ऑप्शन की वजह से वो क्वेश्चन हार्ड हो गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ये अलग अलग तरह के डेटा सेट्स इसमें अवेलेबल थे। आगे बढ़ने पर एक उसमें कॉलम ये भी था कि मैंने जो अटेम्प्ट लिया वो किस टाइप का है, वो कॉन्फिडेंट है, 50-50 है, या मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया था, इस तरह के कुछ सीन होते थे। आखिरी में एक कॉलम मैंने बना रखा था चेक का कि अगर मैंने जो डेटा एंट्री उसमें की हैं क्या वो रिलेटिव हैं, क्या वो सही हैं या नहीं है। और इस तरह से पूरा सेट था जिसमें 5-6 डेटा सेट रिकॉर्ड होते थे। लास्ट में इन शीट्स की मदद से क्या होता था कि एक अल्टीमेटली एक पिवट टेबल्स बनी हुई थी आखिरी में, जो कि एक एक्सेल के ही टूल हैं। और इस टूल्स में क्या होता है कि वो आपको बता देता है कि पॉलिटी में आप जो 50-50 क्वेश्चन ले रहे हैं उसकी एक्यूरेसी आपकी कितनी है। आइडियली अगर 50-50 में आप फंसे हुए हैं दो ऑप्शंस में तो 50% सवाल आपके सही होने चाहिए, पर मेरे जो शीट थी उसमें मुझे अपना दिख जाता था कि वो 60% है, 40% है। अगर 40% है तो मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी तरह से अलग अलग डेटा के हिसाब से पॉलिटी में मेरे किस तरह के सवाल सही होते हैं या हिस्ट्री में किस तरह के सवाल सही होते हैं। इसका मेजर हेल्प कब मिलती थी, जब मैं अपने इटरेशंस करता था असली पेपर में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपना पहला अट्रेशन चालू किया है और उसमें मैं 30-35 सवाल बना दिए हैं तो पेपर आसान है, मुझे और करना चाहिए। दूसरा इट्रेशन करने के बाद मैं अराउंड 15-20 सवाल तक और पहुंच जाता हूं तो 50-60 का मेरा टोटल अटेम्प्ट होता है। इसके बाद अब दिक्कत क्या होती है कि 80 क्वेश्चन के आसपास मेरा स्वीट स्पॉट था, जो मैंने टेस्ट सीरीज से देखा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखा था कि उतना तो मुझे करना चाहिए तब मैं सही से कर पाता हूं। तो जब लास्ट इट्रेशन, ये दो इट्रेशन करने के बाद जब लास्ट इट्रेशन की बारी आती थी तो उसमें दिक्कत ये होती है कि कुछ क्वेश्चन बचे होते हैं जिनमें हमें रिस्क लेना होता है और उसमें बहुत ज़रूरी है कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस मुझे एकदम क्लियर कट पता हूँ। जनरली लोगों को या मतलब जितने टॉपर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि ये आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चल जाता है, परंतु मेरे केस में ऐसा नहीं होता था। मुझे डेटा चाहिए होता था काम करने के लिए, तो मैंने जो शीट्स बना रखी थी उसमें मैं यूज़ करता था कि अगर मैं पॉलिटी में 33% वाले पे क्वेश्चन पे ले रहा हूँ गेम, 33% यानी 33%, यानी कि मैं एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो उस केस में मेरी एक्यूरेसी कितनी है, क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए, उन चीज़ों में एक्सेल शीट बहुत काम आती थी। ऐसे ही ये हर उसके हिसाब से था कि सब्जेक्ट के हिसाब से मेरे अटेम्प्ट किस हिसाब से जा रहे हैं या डिफ़िकल्टी के हिसाब से किस हिसाब से जा रहे हैं, मीडियम लेवल में मेरी एक्यूरेसी कितनी रह रही है, ईजी में कितनी रह रही है, या जो मैं 50-50 ले रहा हूँ उसमें कितनी एक्यूरेसी रह रही है, गैस वर्क में मेरी एक्यूरेसी कितनी रह रही है। तो ये पूरा क्वांटिफाई हो गया था डेटा सेट। ये लास्ट इटरेशन बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि क्या होता है, जब मैं खुद भी पेपर करता था तो एक पॉइंट के बाद हम अटक जाते हैं। मैं कभी कभी 50 क्वेश्चन पर अटक जाता था। उसके बाद आखिरी इटरेशन में मैं ये ढूंढता था कि कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं करने हैं क्योंकि वो मेरी वीकनेस है, उसमें मैं शायद नंबर ज़्यादा लूज़ करूँगा एज़ कम्पेयर टू जितने मैं गेन करने वाला हूँ।
तो उनको एलिमिनेट करके मैं ये निकाल लेता था कि ये क्वेश्चन मेरे अटेम्प्टेबिलिटी के हिसाब से सही बैठेंगे, और उसमें मैं नेट एवरेज थोड़े से भी मार्क नेट गेन करके अपना प्रीलिम्स का कट ऑफ क्वालिफाई कर लेता था। मैंने प्रीलिम्स के लिए तैयारी भी अलग अलग सोर्सेज से की, मैंने कुछ फ्री के मटेरियल्स रेफ़र किए, जैसे मैंने विजन आईएएस से फाउंडेशन कोर्स किया था अपना, एक साल का जो कोचिंग वाला प्रोग्राम होता है वो, और उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करा दिए थे। बट अल्टीमेटली मेहनत तो उसके ऊपर काफ़ी बेस बनाना पड़ता है, तो वो खुद से किया। साथ ही में मैं फ्री रिसोर्सेज भी रेफ़र करता था, जैसे mrunal.org है, जो अकेडमी वगैरह पर भी पढ़ाते हैं, उनकी जो win23 या करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ आती है वैल्यू एडिशन की, वो मुझे अच्छी लगती थी तो मैं उसे फॉलो करता था। और ऐसे ही करते करते काफ़ी रिसोर्सेज रेफ़र हो गए थे। टेस्टिंग के बाद एक दिक्कत ये भी आती थी कि रिवाइज़ कैसे करें टेस्ट को, तो मेरा बहुत सिंपल फंडा होता था कि जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, जितने भी उसमें 100 क्वेश्चन है, मैं उसे एक A4 शीट में कंडेंस करता था। उसमें से वो डिटेल होती थी जो मुझे लगता है मैं भूल जाऊँगा या मुझे शायद बाद में याद आए, ज़रूरी है जो मेरे याद आने के लिए, और ये भी मैं सब्जेक्ट वाइज करता था। मैंने एक A4 शीट बना, मतलब एक A4 शीट्स की एक कॉपी थी मेरे पास, जिसमें स्टिकी नोट से मैंने उसे डिवाइड कर रखा था अलग अलग सेक्शंस में, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इस हिसाब से। और उसमें जो सेगमेंट मुझे लगता था कि जिसके अंदर वो लिखना उसके अंदर लिखता था, और बाकी मैं छोड़ देता था। इससे क्या हुआ था, मैंने 40-50 टेस्ट दे दिए थे अपने, तो मेरे पास अराउंड 40-50 पन्ने ही थे रिवाइज़ करने के लिए, जिन्हें मैं बहुत जल्दी रिवाइज़ कर सकता था, और इस तरीके से वो प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइंड हो गई थी। मेन पार्ट यही था कि GS में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था अपनी चीज़ों को लेकर। CSAT मुझे कभी दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, प्लस जो सवाल आते थे वो उसमें मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। ऐसा कोई बायस नहीं था मेरा कि सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं, यही क्वेश्चन छोड़ने हैं, मैं सारे ट्राई करता था करने के। पर उसमें ऑब्वियसली मैं मैथ्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, क्योंकि वो मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट होता था। अब रही बात कि ये जो मैंने एक्सेल शीट बनाई थी या गूगल शीट्स बनाई थी, ये मैं पब्लिकली देता हूँ, मुझे इसमें कुछ वो नहीं है। मेरे एक सर हैं अभिजीत यादव नाम से, उन्होंने मुझे एक गूगल डोमेन गिफ्ट किया था, www.shubhamkumaryadav.com, उस पर मैंने ये शीट अपलोड कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस अभी कंप्लीट नहीं है वो, क्योंकि मैं अभी मेंस की चीज़ें अपलोड करने में थोड़ा बिजी था, तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है, शायद लिंक में नीचे सब डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, उसको थोड़ा देख सकते हैं। मैं कुछ टाइम में उसको अपडेट कर दूँगा, फाइनलाइज़ कर दूँगा, तो जब आप उसमें अपना डेटा फीड करेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी अक्रॉस सब्जेक्ट्स या अक्रॉस 50-50 एलिमिनेशन कॉन्फिडेंस वाले लेवल के हिसाब से कितनी वेरी कर रही है, या इवन विद इन सब्जेक्ट भी कितनी वेरी कर रही है, कि आप गैस अच्छे ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, उससे शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो। और यही प्रोसेस चलती रहती है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप में से किसी को पिवट टेबल्स या एक्सेल की बेसिक नॉलेज है, तो वो इन शीट्स को और अपडेट करे और कम्युनिटी में आगे और सर्कुलेट करे, जिससे शायद किसी का भला हो, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। GS के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि एक पॉइंट के बाद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2-3 रिवीजन आपने बेसिक किताबों के अच्छे से कर लिए हैं, उसके बाद आपको टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं निकलेगा प्रीलिम्स। एक गेम इस बात का भी है कि 1-2 रिवीजन के बाद जो आपका बेसिक रिकॉल वैल्यू है वो जनरेट हो जाती है, आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख जाते हैं, आप ऑप्शंस पहचानना सीख जाते हैं, फिर आखिरी के 1-2 महीने में आपको सिर्फ उन किताबों को एक बार अपनी आँखों के सामने से गुजारना होता है, ताकि आप असली एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आपके सामने है, जो आंसर आपके सामने है, उसे पहचान पाएँ। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है, मुझे बहुत हेल्पफुल लगी थी अपने सेकंड अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं होने का मेजर कारण बस इतना सा था कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, तो उसमें मैं ज़्यादा पढ़ाई में समय निकाल दिया था मैंने, तो आखिरी में थोड़ा GS सफ़र किया। मेरा प्रीलिम्स अराउंड 11 नंबर से रुका था, जिसमें हिस्ट्री के मुझे लगता है कि अगर मैं उस साल हिस्ट्री पढ़ लेता तो 4-5 सवाल तो बना देता, उससे 8-10 सवाल मेरे कवर हो जाते, पर वो एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस है। अब वो हो गया तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ उसके बारे में। बाकी आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बेसिक्स रिसोर्सेज पर स्टिक कीजिए। अभी जैसे एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, जिस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको फैक्ट्स अच्छे से देखने की ज़रूरत है, अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अभी क्योंकि ये ट्रेंड जो है ये पिछले 1-2 साल में ही चेंज हुआ है, तो मैं तो अभी सजेस्ट, मगर मुझे इस साल एग्ज़ाम देना होता तो मैं तो अपनी रिसोर्सेज चेंज नहीं करता, मैं वही किताबें पढ़ता जो मैं पढ़ रहा हूँ, बट इस बार उनको अच्छे से पढ़ता कि उनमें से अगर कोई सवाल आ रहा है तो वो मेरा बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। बाकी 2-3 पेपर और होने के बाद हम शायद अच्छे से आइडिया लगा पाएँ कि पेपर का नेचर कैसा हो गया है। अभी के रिसेंट ट्रेंड में CSAT हैज़ गेंड इम्पोर्टेंस, तो थोड़ा सा CSAT पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मेरी एक्सेल शीट मैंने अपलोड करवा दी है, आप उसको यूज़ करें, थोड़ा ट्राई करें, कुछ बेसिक रिसोर्सेज हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, बहुत से इंस्टीट्यूट अपना प्रीलिम्स का मटेरियल या कंपाइलेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट भी निकाल देते हैं, जो आप PDF के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं करंट अफेयर्स के लिए विजन का ही PT365 आता है, उसको रेफ़र करता था। मृणाल सर के जो नोट्स और हैंडआउट्स आते हैं इसी के टेलीग्राम चैनल पे उनके, उनको कभी कभी देख लिया करता था। उनकी win23 सीरीज़ को फॉलो किया करता था, और बहुत रेयरली
होता था कि मैं ऐसे इनके अलावा कहीं जा रहा हूँ, ये दो तीन रिसोर्सेज के अलावा मैं कहीं ज़्यादा भटका नहीं, ना बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल सर्फ किए, तो ये मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी रहती थी जीएस में, जो मुझे लगता है आपकी भी रहनी चाहिए। साथ ही मैं प्रीलिम्स में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देख रहे हैं तो उसे थोड़ा ध्यान से देखें। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऑप्शंस आगे काम आ जाते हैं, जैसे एनवायरमेंट में क्या होता है कि नेशनल पार्क की अगर बात हो रही है तो नामदफा नेशनल पार्क है या मौलिंग है, ऐसे कुछ नेशनल पार्क ना किसी साल अगर ऑप्शन में होते हैं तो कुछ साल बाद उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो यदि आप इनको जब ढंग से देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी थीम्स बना लें, जैसे इकोनॉमी में एक थीम है कि इन्फ्लेशन या रेपो रेट, इनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, या जैसे बैंक रन क्या होता है, इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डेफिनेशन वाले उन पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। एनवायरमेंट में जहाँ तक थीम्स की बात है तो उसमें नेशनल पार्क एक इंपॉर्टेंट थीम है, उनकी ज्योग्राफी कैसी है, नदियाँ कौन सी बह रही हैं, बारिश कैसे होती है, या फिर वेजिटेशन कैसा है वहाँ पर, किस तरह की वन्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्लस अगर आप पिछले कुछ साल देखें तो आजकल स्पीशीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि जैसे इस सवाल गिलहरियों पर सवाल आया था, स्क्विरल्स पर, उन जानवरों की, और जो उन्होंने सवाल पूछे जैसे हनी बीज और इनका जो डांस पूछा था, ये अगर आप मतलब अभी तो सजेस्ट नहीं करूँगा मैं, बट अगर खाली टाइम हो तो द प्लैनेट शायद नाम से एक नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, डेविड एटनबोरो जी ने बनाई है उसे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है। अगर पढ़ाई के हिसाब से नहीं सिर्फ मज़े के हिसाब से या समझने के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो उसे देखें, आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। सरल भाषा में बोलें तो आपको एनवायरमेंट पसंद आने लगेगी। इस तरह से हर सब्जेक्ट में कुछ थीम्स होती हैं, जैसे ज्योग्राफी की में भी ओशियनोग्राफी या मॉनसून और इनकी जो विंड डायरेक्शन है उनके ऊपर एक इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है जिससे क्वेश्चन आए दिन आते ही रहते हैं। इस तरह से अपनी थीम्स पहचाने, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट हो गए या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, साइमन कमीशन, और ये जो क्रोनोलॉजी चल रही थी उनके ऊपर कुछ सवाल आ जाते हैं। अभी बीच में एक ट्रेंड आया था जिसमें जो अर्ली है पोर्टुगीज डच इनके आगमन पर जो सवाल बने थे उस वाले एरिया से कुछ सवाल आए थे। तो ऐसी थीम्स पढ़ें, ओवर द ईयर पढ़ें, और अगर हो सके तो 2013 के बाद के सारे पेपर लगाएं और बार बार लगाएं। उससे क्या होगा कि एक अगर आप में जब मैच्योरिटी आ जाती है उन सवालों को देख देख के, तो आप प्रेजेंट चीज़ों को उस लाइट में देख सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है जो बैंक यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, न्यूज़ में भी अभी चल रहा है कि अगर आरबीआई ने रेट हाइक किया, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि आरबीआई की हाइक करने का मतलब क्या है, क्या वो इन्फ्लेशन रोकना चाह रही है या इन्फ्लेशन बढ़ाना चाह रही है, इससे ग्रोथ कम होगी या ग्रोथ बढ़ेगी, वो वाली चीज़ें एक थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी को साथ में पढ़ेंगे तो थोड़ा बेनिफिट लगता है मुझे, क्योंकि जो ज्योग्राफी में रिवर्स और मैपिंग वाला पार्ट है वो एनवायरमेंट में काम आता है, और वाइस वर्सा भी ट्रू है कि एनवायरमेंट की नॉलेज भी ज्योग्राफी में काम आ जाती है। और इसके अलावा जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूँगा बेरेक्स को रेफ़र करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की असली भाषा है, असली संविधान में जो लिखी है वो कम से कम पूरा नहीं तो कुछ कुछ हिस्सों में तो रेफ़र करनी ही चाहिए, जैसे जो शुरू के आर्टिकल 51 तक है जिसमें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनको थोड़ा देखना बनता है, क्योंकि इससे क्या है आपकी दो हेल्प होती हैं कि एक तो आपको पता होता है संविधान में क्या लिखा है, दूसरा जो सवाल आते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनमें से क्या चीज़ें संविधान में लिखी गई हैं, तो जब आप संविधान खुद ही पढ़ रहे होते हैं तो आपको क्लियर कट पता होता है कि हाँ ये तो लिखा है ये नहीं लिखा है, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्लस इससे आपके कुछ आर्टिकल भी आपको याद हो जाएंगे जो मेंस के जीएस पेपर 2 में या इवन कुछ एक्सटेंड तक जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 में भी कहीं ना कहीं आप यूज़ करने का स्कोप डेवलप कर लेते हैं। तो मेन टॉपिक्स तो यही है, बाकी पीवाईक्यू जितना आप खुद से देखेंगे, जितना आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें किसी इनसाइट्स वीडियो की ज़रूरत आपको पढ़नी नहीं चाहिए, आप उनको बार बार देखें और अच्छे मन से, खुली आँखों से, खुले मन से देखें, और आपको शायद मदद मिलनी चाहिए। धन्यवाद।